अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुश आमदीद मेरे तमाम देखने वालों को, ख़ास तौर पे मेरी सहेलियों को, उनके घर वालों को, उनके घरों में प्यारे प्यारे बच्चों को और बुज़ुर्गों को मैं बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद कहती हूँ अपने इस शो में। ए प्लस दिन का आगाज़ है, एक नया ए प्लस दिन शुरू हो गया है और इसको खूबसूरत तरीके से गुजारना है अगर यही अज़्म हो हर रोज़, तो आपका हर दिन बहुत ही खूबसूरत गुजरेगा, हंसते मुस्कुराते गुजरेगा। आज मुझे ख़ास तौर पे अपनी सहेलियों को एड्रेस करना है और अपनी सहेलियों को इसलिए एड्रेस करना है कि मैं उनसे एक बहुत ही ख़ास बात करने जा रही हूँ। और वो ख़ास बात ये है कि हमेशा अपने शो में मैंने आप लोगों से यही बात कही है कि जो भी आपकी सलाहियतें होती हैं उनको जानने की ज़रूरत होती है और उसके बाद आपको उसके ऊपर फ़ख्र करने की ज़रूरत है। अगर आपको अपनी किसी सलाहियत के बारे में पता है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा काम कीजिए और उनको मज़ीद उजागर कीजिए। और एक और बहुत ही अहम चीज़ वो ये कि अक्सर रुकात हम जो होते हैं या जो कुछ हमारे पास होता है हम उससे बड़ा दूर भागते हैं और हम कहते हैं हम ऐसे हैं मगर हमें ऐसा पसंद नहीं है। मतलब छोटी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जिन लड़कियों के लंबे सिल्की बाल होते हैं उनको सिल्की बाल पसंद नहीं होते, उन्हें कर्ली पसंद होते हैं। जिनके कर्ली होते हैं उनको स्ट्रेट बाल पसंद होते हैं, जिनके छोटे होते हैं उनको बड़े, जिनके बड़े होते हैं उनको छोटे। एक छोटी सी एग्जांपल है। इसी तरह से जो जो आपके अंदर सलाहियतें होती हैं आप उनको नहीं देख रहे होते बल्कि आप उनको देख रहे होते हैं जो आपके अंदर नहीं होती। मैंने जब अपने इस शो का आगाज़ किया तो हर इंसान की एक अपनी शनाख्त होती है, एक अपनी पहचान होती है और इसी तरह से मेरा एक अपना स्टाइल था। और वक्त के साथ साथ अक्सर औकात लोग मुझे कहते थे कि देखिए इस वक्त ये इन नहीं है, आपको ये करना चाहिए, मगर मैं उनको ये कहती थी कि दिस इज़ हु आई एम एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस। मैं इसी तरह से रहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी सहेलियों को भी यही पैगाम देती हूँ कि आप जैसे होते हैं आप वैसे रहें। और मैं हंस की चाल नहीं चलना चाहती थी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कौवा रहना चाहती थी, बट आई थिंक एक मिसाल जो बनाई है हमारे बुज़ुर्गों ने कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो जैसे भी आप हैं बी प्राउड ऑफ दैट। एंड जहाँ जो जो कुछ मैं करना चाहती थी मुझे वो मेरी मैनेजमेंट ने करने दिया। और ख़ास तौर पर जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मेरे लिए सबसे अहम जो है वो जबार साहब, ज़ाहिर है हु इज़ दी ओनर, हु इज़ दी सीईओ ऑफ दिस चैनल। सिर्फ वही थे जिन्होंने वाकई मेरा साथ दिया और हर चीज़ जो मैं उनसे जाके कहती थी ही बिलीव्ड इन दैट एंड ही लेट मी डू एवरीथिंग दैट आई हैड इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड। आई एम रियली ग्रेटफुल टू द होल टीम जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इन सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और ख़ास तौर पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि जबार साहब वो वाहिद शख्स थे कि जिन्होंने मेरे तमाम आइडियाज़ के ऊपर बिलीव किया एंड मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आप लोग भी उनके लिए बहुत सी दुआएं किया करें। आप लोगों से मुझे ये कहना है, जितनी मेरी सहेलियां हैं, उनके घर वाले हैं, जितने लोग जिस भी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, आप जो भी काम करें अपने विजन के साथ करें, जो आप समझते हैं कि सही है वही सही होना चाहिए। एक दूसरे को देख कर और मुआशरे को देख कर और इधर उधर क्या हो रहा है ये देख कर आपको अपना आप बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बदलेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपको अपने ऊपर एतबार ही नहीं था, आपको अपने ऊपर यकीन ही नहीं था और जो भी आप करते रहे हैं इससे पहले वो सब गलत था। इसलिए आई ऑलवेज से दिस टू माई फ्रेंड्स, टू माई सहेलीज और उनके घर वालों से ये एक ही बात कहती हूँ कि आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, जो करते हैं उस पर फ़ख्र कीजिए, चाहे वो आपकी ज़ुबान है, चाहे वो आपका कुछ भी कल्चर है, चाहे वो जिस तरह के आप कपड़े पहनते हैं। अगर कोई फैशन ऐसा वैसा उल्ट पुल्ट आगे आए और ऊट पटांग चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी शख्सियत को बदलें, क्योंकि आपकी जो आपको चीज़ मुनफरद करती है तमाम लोगों से वो एक आपका अपना स्टाइल होता है। और अगर आप भी दूसरे लोगों की तरह अपने स्टाइल को बदल लें तो फिर आप वो नहीं रहते जो आप हैं। जैसे हैं जो करते हैं उसके ऊपर बिलीव कीजिए, बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ और इंशाल्लाह थोड़ी देर लगेगी मगर वो वक्त दूर नहीं है कि जब आपको लोग जानेंगे, मानेंगे और आपकी इज्जत करेंगे उस चीज़ के लिए जैसा कि आप करते हैं और उस शख्सियत के लिए जो कि आपकी है। सो बी डिफरेंट, बी योर सेल्फ एंड बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ। दिस इज़ व्हाट आई वॉन्टेड टू से टुडे। यहाँ पर हमें ब्रेक के लिए रुकना है। बातें बहुत ऐसी होती हैं कि जो समझने वाली होती हैं मगर अगर समझ आ जाए तो ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है। और आपको पता है ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि ब्रेक लिया जाए और ब्रेक के लिए रुकना है। आज का शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ एक सिज़लिंग स्टार हमारे साथ हैं, मेलोडी ऑफ क्वीन जिन्हें हम जानते हैं
और बहुत ही खूबसूरत गाती हैं एंड शी इज़ वेरी वर्सटाइल अमेजिंग, वो होंगी हमारे साथ। और साथ ही साथ हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक अपकमिंग डिज़ाइनर हैं जो आने वाली हैं और छाने वाली हैं, उनसे आपकी मुलाकात होगी आफ्टर द ब्रेक।